घुसपैठ, धर्मांतरण और जनसंख्या विस्फोट, अगर इसको रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बना और संविधान में संशोधन नहीं हुआ तो मैं आज आपको कह रहा हूं 20 से 25 साल के बाद भारत बर्बाद हो जाएगा। 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके हैं, मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, मैंने एफिडेविट पे लिख के दिया है कि 5 करोड़ भारत में घुसपैठिए रह रहे हैं। अब तो इनकी संख्या हर साल बढ़ती भी जा रही है, उनके बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और भारत से निकाले तो गए नहीं है और आने वाला सिलसिला आज भी चल रहा है। घुसपैठ रोकने के लिए सबसे पहले भारत के संविधान में संशोधन करना पड़ेगा, आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 14 में लिखना पड़ेगा स्टेट सेल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। घुसपैठ पूरे देश की समस्या है लेकिन घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून नहीं है, कठोर कानून वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन पिनल कोड बनाने के लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा, स्टेट सेल सिक्योर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसमें लिखना पड़ेगा। आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट है, उसको बदलने के लिए स्वाभाविक सी बात है 2/3 बहुमत चाहिए, अलग अलग तो हो नहीं सकता लोकसभा राज्यसभा में, तो ज्वाइंट सेशन बुला के वहां आपको 521 सांसद इकट्ठा करना पड़ेगा तब आर्टिकल 14 बदलना पड़ेगा, आर्टिकल 14 बदलेगा और आर्टिकल 14 बदलने के बाद फिर आपको अमेरिका के जैसा एक वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, हमारे यहां जितने अपराध हैं उतने कानून है, इसके कारण 50 घटिया कानूनों का मकरजाल इकट्ठा हो रखा है, न हवलदार ठीक से FIR लिख पा रहा है, न जांच करने वाला इंस्पेक्टर ठीक से उसकी जांच कर पा रहा है, न उस पर जो है सरकारी वकील ठीक से बहस कर पा रहे, वकील को भी दिक्कत है, जज को भी दिक्कत है, हवलदार को भी दिक्कत है, सबको दिक्कत आ रही। समाधान इसका है वन नेशन वन पिनल कोड, लेकिन उसके लिए आर्टिकल 14 को बदलना पड़ेगा और उसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो घुसपैठिए आते हैं इसका कोई आधार बना के देता है, कोई राशन कार्ड बना के देता है, कोई फेक ड्राइविंग लाइसेंस बना के देता है, कोई फेक वोटर आईडी बना देता है, कोई जो है उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना देता है, तो हमें नए वाले कानून में ही झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जो लोग फर्जी आधार बनाते हैं, फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं, फर्जी वोटर आईडी बनाते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं, बैंक में खाता खुलवाते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के देते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी लोग फर्जी काम कर रहे हैं उसको देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा। जब तक घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता खत्म करने, आजीवन कारावास फांसी देने के लिए कानून नहीं बनेगा, तब तक घुसपैठ नहीं रुकेगी। किसी की सरकार आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी सांसद विधायक हो, जब तक वन नेशन वन पिनल कोड नहीं होगा और दंड कठोर नहीं होगा नागरिकता खत्म करने, प्रॉपर्टी जब्त करने, आजीवन कारावास फांसी देने, और केवल घुसपैठियों को नहीं उनके मददगारों को जो पैसा लेके उनका आधार बना रहे, राशन कार्ड बना रहे, ड्राइविंग लाइसेंस बना रहे, वोटर आईडी बना रहे, बर्थ सर्टिफिकेट बना रहे, बैंक में खाता खोल, उनको भी तब जाके घुसपैठ रुकेंगे। लेकिन इसके लिए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। जब घुसपैठियों का मुकदमा कोर्ट में चलता है तो घुसपैठिए पैसा देके झूठे गवाह भी खड़े कर लेते हैं, तो झूठी गवाही को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे वकालतनामा को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, झूठे मुकदमे को भी गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा। तो झूठ बोलने को जब अगर गंभीर अपराध घोषित करना है तो उसके लिए भी आपको संविधान का आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा, यानी अगर घुसपैठ रोकना है तो झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित करना पड़ेगा, उसके दोनों के लिए झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए आर्टिकल 19 बदलना पड़ेगा। झूठ को पकड़ने के लिए, ये जो घुसपैठियों का झूठा तंत्र है उनको पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा, उसके लिए आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। ये भारत में जो इस तरीके से अश्लीलता फैल रही है रील के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, वेब सीरीज के माध्यम से, सीरियल्स के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, जानते कैसे फैल रही है? क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया। अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्होंने अनलिमिटेड दे दिया और उन्होंने सोचा नहीं था कि आने वाली पीढ़ियां इतनी पैसे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो अगर हम चाहते हैं अश्लीलता रुके तो भी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा, उसमें एक लिमिट लगाना पड़ेगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, फ्रीडम ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, हमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, जो हमें फंडामेंटल राइट है उसको लिमिट करना पड़ेगा। अभी अनलिमिटेड मिला हुआ है, बोलने की आजादी अनलिमिटेड है, झूठ बोलने की आजादी भी है, नफरत फैलाने की भी आजादी है, ऐसे व्यापार करने की जो आजादी दी आर्टिकल 19 में वो अनलिमिटेड दिया, तो हो क्या रहा है? व्यापार करने के नाम पे व्याभिचार शुरू हो चुका है।
आखिर हुक्का बार, डांस बार, बियर बार, सट्टा बार, ये जो चल रहा है व्यापार के नाम पे, ये तो व्याभिचार फैला रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्रीडम ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी, एक सेंटेंस जोड़ना पड़ेगा आर्टिकल 19 में। ऐसे ही जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, संगठन बनाने का अधिकार, वो आर्टिकल 19 देता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा नहीं था कि पीएफआई जैसे संगठन बन जाएंगे, सिमी जैसे संगठन बनेंगे। अब ये पीएफआई सिमी पे आजीवन प्रतिबंध लगे तो भी आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं घुसपैठ रुके तो भी हम संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। धर्मांतरण रुके, आर्टिकल 25 में बदलाव करना पड़ेगा, जो प्रोपोगेट शब्द आया उसको निकालना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि सिमी पीएफआई जैसे संगठनों पे लाइफ बैन हो जाए तो भी हमको आर्टिकल 19 पे रोक लगाना पड़ेगा। अश्लीलता अगर हम रोकना चाहते हैं तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक लिमिट लगानी पड़ेगी। झूठ को गंभीर अपराध घोषित करना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच पे एक लिमिट लगानी पड़ेगी। संविधान में आपको आर्टिकल 19 में बदलाव करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं ये जो नफरत सिखाने वाले स्कूल चल रहे हैं भारत में वो रुके, मुगलों के समय वो स्कूल खुले और नफरत सिखा रहे हैं, वो भारत की संस्कृति के प्रति भारतीयों के मन में नफरत घोल रहे हैं। मुगलों के, अंग्रेजों के समय जो स्कूल खुले वहां पे भी यही हो रहा है, वहां पे भारत की संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय ज्ञान विज्ञान को नहीं सिखाया जा रहा है, बल्कि उल्टे उनके प्रति नफरत सिखाई जा रही है। उस पर रोक तब लगेगी जब आर्टिकल 21 जो राइट टू एजुकेशन है इसमें एक शब्द इक्वल जुड़ जाएगा, राइट टू इक्वल एजुकेशन हो जाएगा, और अभी जो 8वीं तक है उसको 10वीं तक कर दिया जाएगा। यानी 6 से 16 साल तक के बच्चे, यानी पहली से लेके 10वीं तक के बच्चों का सिलेबस एक समान होगा, करिकुलम एक समान होगा, सबकी किताब एक होगी, सब आप अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे लेकिन सिलेबस एक होगा। तो राइट टू इक्वल एजुकेशन करने के लिए भी, आपको समान शिक्षा लागू करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत में भारत की चिकित्सा थर्ड क्लास हो गई है, विदेशी चिकित्सा व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहती है। भारत में इलाज का मतलब एलोपैथिक इलाज हो गया है, इलाज का मतलब आयुर्वेदिक इलाज नहीं है, इलाज का मतलब नेचुरोपैथी इलाज नहीं है, इलाज का मतलब योग प्राणायाम के जरिए इलाज नहीं है, इलाज का मतलब जो है आहार चिकित्सा के जरिए इलाज नहीं है, इलाज का मतलब केवल और केवल सिंथेटिक ड्रग खाना। इसको बदलने के लिए एक भारत में राइट टू इक्वल हेल्थ केयर सिस्टम लागू करना पड़ेगा। राइट टू इक्वल हेल्थ केयर जोड़ने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। इसी तरीके से भारत में मुकदमे, अब घुसपैठ तब रुकेगी ना जब पता हो घुसपैठिए को कि अगर हम भारत के अंदर भारत में इंटर किए तो हमको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के अंदर हमको आजीवन कारावास, फांसी हो जाएगा। घुसपैठ तब रुकेगी जब घुसपैठियों के मददगारों को पता हो कि अगर मैंने एक भी घुसपैठिए की मदद किया, चाहे उनको हमने बस उपलब्ध कराया या उनको जगह उपलब्ध कराया या उनको हमने राशन कार्ड आधार बनाया, तो मैं 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने के लिए पूरी जिंदगी जेल चला जाऊंगा। जब ये खौफ पैदा होगा तब जाके घुसपैठ रुकेगी, तब जाके धर्मांतरण रुकेगा। तो उसके लिए आपको एक आर्टिकल 21C जोड़ना पड़ेगा, स्टेट सेल सिक्योर जस्टिस विद इन ईयर। 1 साल के अंदर मुकदमे का फैसला होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा 1 साल में तय होगा, हाई कोर्ट के मुकदमे का फैसला भी 1 साल में आएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुकदमे का फैसला भी 1 साल में आएगा। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक कोई भी अपराध कम नहीं होगा। केवल घुसपैठ की बात नहीं है, धर्मांतरण की बात नहीं है, न भ्रष्टाचार कम होगा न अपराध कम होगा। जब तक जस्टिस विद इन ईयर लागू नहीं होगा तब तक न घुसखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, कमीशनखोरी, मुनाफाखोरी, नशा तस्करी, अवैध हथियार, मानव तस्करी, जो भी हवालाबाजी, कबूतरबाजी, जो कुछ भी चल रहा है सड़क के किनारे, अवैध निर्माण, धर्मांतरण, घुसपैठ या अलगाववाद, पत्थरबाजी, जो भी चल रहा है, ये तभी रुकेगा जब जस्टिस विद इन ईयर होगा, यानी मुकदमे का फैसला 1-1 साल में होगा। और झूठा फैसला देने वाले जज पे भी कार्यवाही होगी, झूठी जांच करने वाले पुलिस वालों पे भी कार्यवाही होगी, झूठी गवाही देने वालों पे भी पुलिस की कार्यवाही होगी, और झूठा वकालतनामा दाखिल करने वालों पे कार्यवाही होगी, तब जाके ये भ्रष्टाचार अपराध रुकेगा। अगर हम चाहते हैं कि मठ मंदिरों के लिए एक समान धर्मस्थल संहिता लागू हो, जो 35 कानून बने हैं उनको खत्म कर दिया जाए मठ मंदिरों कंट्रोल करने के लिए, तो भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। दुर्भाग्यवश भारत धार्मिक राष्ट्र है लेकिन संविधान में धर्म शब्द उपयोगी नहीं हुआ, धर्म के लिए रिलीजन उपयोग कर दिया गया। तो धर्म और रिलीजन में अंतर बताने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। न्यायपालिका की जवाबदेही तय करने के लिए भी आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। माइनॉरिटी कौन है, 1% वाला या 0.5% वाला, माइनॉरिटी को डिफाइन करने के लिए, माइनॉरिटी के गाइडलाइन सेट करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। भारत में जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो इन्फोर्सिएबल नहीं है, मतलब अगर कोई ड्यूटी माने तो भी अच्छी बात, नहीं माने तो भी अच्छी बात। तो जो फंडामेंटल ड्यूटी न माने उसकी नागरिकता खत्म हो, ऐसा प्रावधान करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। कहने का मतलब वन नेशन वन पिनल कोड लागू करने के लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा।
वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन टैक्स कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन एजुकेशन कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन हेल्थ केयर कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन बिजनेस कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन सिटीजन्स ड्यूटी कोड लागू करने के लिए संविधान संशोधन करना पड़ेगा, वन नेशन वन हेरिटेज कोड लागू करने के लिए भी संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो अगर हम चाहते हैं भारत की संस्कृति मजबूत हो, भारत की परंपरा मजबूत हो, और भारत की हालत वो न हो जो आज अफगानिस्तान की हालत है या पाकिस्तान हालत है या बांग्लादेशियों की हालत है, भारत की जो हमारी संस्कृति है वो बरकरार रहे, हमारी आने वाली पीढ़ियां इसी तरीके आगे बढ़ती रहे, तो संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और संविधान में संशोधन करने के लिए कुल 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में एनडीए के पास 117 सांसद है, इसका मतलब लोकसभा में 404 सांसद चाहिए। ये 404 लोकसभा में तभी होगा जब सभी लोग, समझदार लोग इस बात को समझेंगे। जितने फोन में आपके नंबर हैं सबको एक एक बार फोन करेंगे वोटिंग करने के लिए, जितने आपके व्हाट्सएप पे नंबर हैं सबको एक बार मैसेज डालेंगे, जितने आपके फोन में नंबर हैं सबको एक एक बार एसएमएस करेंगे, अपने जो आप ट्विटर यूज करते हैं या फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, वहां अपील करेंगे प्लीज वोट जरूर करिए। जब तक 80% वोटिंग नहीं होगी तब तक 400 पार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं 80% वोटिंग सुनिश्चित करिए, पहले मतदान करिए फिर जलपान करिए, और इस बार राष्ट्रहित में मतदान जरूर करिए, क्योंकि आज के नेता 25 साल के बाद आपके बच्चों को बचाने नहीं आएंगे, लेकिन आज जो मैं कानून कह रहा हूँ ये कानून आने वाली 25 पीढ़ियों को बचाएगा। तो आपने अगर पीढ़ियों की चिंता है तो मतदान करिए, अधिक से अधिक करिए, राष्ट्रहित में करिए, नहीं तो जैसे दुर्योधन के ननिहाल गंधार में खत्म हो गए, अफगानिस्तान बन गया, भारत का ननिहाल कैकेय में खत्म हो गए, पाकिस्तान बन गया, पूर्वी बंगाल बांग्लादेश बन गया, भारत के 9 राज्यों में खत्म हो गए, भारत के 800 जिलों में खत्म हो गए, भारत की 1500 तहसीलों में खत्म हो गए। अगर अभी भी ये कानून नहीं बने तो आने 25 साल के बाद भारत में वही होगा जो पहले 1947 में हुआ था। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, और खुद 400 पार करने के लिए, 80% मतदान करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो जरूर करिए।